आप लोगों का नया अपडेट यही है कि जिन लोगों के घर तरफ नया बता दें कि नाम जो है चेंजिंग हो गया है नोटिस में, जिसका ज़मीन है उसका नाम ना होकर दूसरे ज़मीन के लोगों का नाम उस पर आ गया। राइट से लेफ्ट पोल कड़ा हुआ है, उसके बीच में दूरी कितनी है तुम स्पष्ट बता दें आप लोग। मेरा कमर तक आ रहा है यहाँ तक, और ये जो जब गाड़ा जाता है तब ये काफ़ी इतना बड़ा होता है। नया पोल जो है काफ़ी बड़ा है, ठीक है। देखिए अंदर में भी एक हाथ से ज़्यादा ही गड़ा हुआ है। देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। ये जो है पुराना पोल है, इसी तरह पुराना पोल जो है दोस्तों छोटा हुआ रहता है। उधर जो भी दिखाए हम लेफ्ट साइड था, ये जो देख रहे हैं आप लोग ये राइट पोल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। हम आज इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं सिक्स लाइन के बारे में कुछ बातें। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोगों को मालूम पड़ सके हम क्या बताने वाले हैं सिक्स लाइन के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम जो हैं खेत तरफ हैं, और जहां से सिक्स लाइन गुजरने वाली है उसी खेत तरफ हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा पोल गड़ा हुआ है यहाँ पे, देखिए इससे आप लोगों को समझ में आया होगा क्या यहीं से जो है सिक्स लाइन बनारस से कोलकाता जो रोड बनने वाली है इधर से क्रॉस होने वाली है। तो हम इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को सिक्स लाइन के बारे में कुछ बताना है। जैसे कि हम पिछला वीडियो डाले हुए हैं तो सब में आप लोगों को बहुत सारा कमेंट आ रहा है तरह तरह के, तो आप लोगों को इस वीडियो में सारे कमेंट का जवाब मिलने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों का कमेंट जो है जो भी आप लोगों का समस्या है वो दूर हो सके। तो चलिए आप लोगों का जो भी कमेंट है यानी सवाल है वो सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल जो है आप लोगों को बहुत सारा आया हुआ है कि बनारस से कोलकाता वाला रोड में कुछ नया अपडेट आया है या नहीं। तो हम ये सवाल का जवाब थोड़ा देर में देंगे, तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक। और दूसरा कमेंट आता है कि ये जो है राइट से लेफ्ट पोल कड़ा हुआ है उसके बीच में दूरी कितनी है तो मैं स्पष्ट बता दें आप लोगों को, ये दूरी जो है जैसा जहाँ ज़मीन है उसके हिसाब से लिया गया है, ठीक है। लगभग इसका जो है 200 फीट है यानी 50 से 60 मीटर चौड़ा, ठीक है। तो ये आप लोगों को दूर हो गया होगा। और कमेंट आता है कि हम लोग का जो नोटिस आया हुआ था उसका पैसा अभी तक मिला या ना मिला। तो हम बताना चाहते हैं इसमें कि हम लोग का जो नोटिस आया हुआ था उस नोटिस में जो है बहुत सारा गड़बड़ी भी आया है बहुत लोगों का, और हम लोग का भी गड़बड़ी है उसमें। क्या गड़बड़ी है कि गड़बड़ी यही है कि जो उस नोटिस में ज़मीन जो आया हुआ है, ज़मीन जितना लिखा हुआ है उतना ज़मीन से हम लोग का ज़मीन जो है अधिक रोड में जा रहा है, ठीक है। तो उसमें जो है नोटिस में बहुत ही कम आया हुआ है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए बता दें कि हम लोग का ज़मीन जो है 1.5 से 2 एकड़ इस रोड में जा रहा है, ठीक है। तो उस नोटिस में जो आया हुआ है मात्र 40 डिसमिल का ही नोटिस में आया हुआ है, उसी का पैसा भेजा हुआ है मतलब नोटिस में लिखा हुआ है। नोटिस तो हम आप लोगों को वीडियो में बता चुके हैं किस तरह नोटिस रहता है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं जाकर, ठीक है। तो वह जो है समस्या है, और जो भी उसमें कार्यरत है सारा कुछ हम लोग डॉक्यूमेंट जमा कर चुके हैं, बताया भी गया है। तो जब उसका सुधार या छानबीन होगा तब पता चल जाएगा कि क्या है क्या ना है। और दूसरा समस्या है कि नोटिस में जो है गलती यही है कि दूसरे बहुत लोगों का बता दें कि नाम जो है चेंजिंग हो गया है नोटिस में, जिसका ज़मीन है उसका नाम ना होकर दूसरे ज़मीन के लोगों का नाम उस पर आ गया है। जैसे हम लोग का ज़मीन है तो हम लोग का ज़मीन का जो नोटिस आया है उस नोटिस में हम लोग का नाम ना होके दूसरे का नाम उस पर आ गया है, ठीक है। तो यह भी एक समस्या है।
तो ये समस्या जो है ऑनलाइन हो गई है ना, नोटिस आया है तो ऑनलाइन होकर आया हुआ है, तो इसको जो है कटाने में लोग जुड़े हुए हैं और ये जो है बहुत प्रयास करने के बाद भी ये जल्दी कट नहीं रही है, तो इसी के चलते जो हम लोग का पैसा जो है रुका हुआ है। अब देखिए क्या होता है, नोटिस आने पर ही कुछ पता चलेगा क्या होने वाला है क्या नहीं। और दूसरा है कि यहाँ जो है आप लोग देख रहे चारों तरफ खेती लग चुका है, यानी धान का सीज़न है तो धान लगा हुआ है चारों ओर। सरकार तो चाहेगी नहीं कि धान को जो है नष्ट करके रोड बनाया जाए, इसी चलते भी डिले हो रहा होगा, नोटिस वगैरह भी कुछ नहीं आ रहा है। जैसे ही कुछ नोटिस आता है तो आप लोगों को बता देंगे सबसे पहले। और बता दें आप लोगों को, जिन लोगों का नोटिस में कोई गलतियां नहीं है, सब परफेक्ट है और उन लोग का सहमति है, तो उन लोग का पेपर वगैरह जमा करके उन लोग का पैसा भी किन्हीं किन्हीं का आ चुका है और किन्हीं का नहीं आया है, तो उन लोग का बहुत जल्द आने वाला है। और हम लोग का भी देखिए प्रयास कर रहे हैं कि ठीक हो जाए सब कुछ और हम लोग का भी जल्द से जल्द पैसा आ जाए। और हम बता दें आप लोगों को नया अपडेट यही है कि जिन लोगों के घर तरफ नया पुल का जो निर्माण हो रही है वह नहीं हुआ है, तो वह बहुत जल्द होने वाला होगा, या किन्हीं किन्हीं का घर तरफ हो भी रहा होगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है हम आप लोगों को पहले ही डाल चुके हैं किस प्रकार से नया पुल का निर्माण किया हुआ है, और अभी आप लोगों को दिखाएंगे किस प्रकार से नया पुल रहता है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आप लोगों को हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि नया पुल किस प्रकार से है, ठीक है। जिनके घर तरफ जहाँ से रोड गुजर रही है उधर जो है न्यू पुल का निर्माण नहीं किया हुआ है, अगर नहीं गाड़ा हुआ है तो आप लोगों को बहुत ही जल्द उधर जो है मशीनों के द्वारा नाप जोखा करके नया पुल का गड़ाई स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही दिनों में। और आप लोगों को हम दिखाते हैं, देखें किस प्रकार से नया पुल रहता है। पुराना पुल जो है था वो नया पुल से बहुत ही छोटा था, नया पुल जो है काफ़ी बड़ा है, ठीक है। देखिए अंदर में भी एक हाथ से ज़्यादा ही गड़ा हुआ है, देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है पोल में। जब हम पिछला वीडियो बनाए थे तो उसमें सिर्फ पोल वगैरह निर्माण हो रहा था, ये सब पोताई हुआ नहीं हुआ था पीला कलर में। अभी देखिए पोताई भी हो चुकी है और नंबर भी लिखा गया है 362+800, यानी 362+800 लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमको लगता है किलोमीटर लिखा हुआ है शायद। और ये जो है लेफ्ट पोल है, ठीक है। राइट पोल जो है आप लोगों को भी हम दिखाएं, वहाँ पर छोटा सा पोल, वहाँ पर जो है राइट पोल है। और देखिए लेफ्ट पोल का निशान भी इधर लगा हुआ है, L लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए काफ़ी लंबा है, देखिए मेरा कमर तक आ रहा है यहाँ तक। और ये जो जब गाड़ा जाता है तब ये काफ़ी इतना बड़ा होता है, ठीक है। ये जो है नया पोल है, जिनके भी तरफ ये पोल नहीं गाड़ा हुआ है तो उन लोग का हम बता दें, उन लोग का यही अपडेट है, यही पोल बहुत जल्द आप लोग का घर तरफ भी गड़ाने वाला है, तो आप लोग के लिए अभी यही अपडेट है। और रही हम लोग के इधर अपडेट का, तो मेरे घर तरफ का अपडेट अभी वैसे कुछ आया हुआ नहीं है। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग का जो है पेमेंट भी होने वाली है। देखिए ये जो है पुराना पोल है, इसी तरह पुराना पोल जो है दोस्तों छोटा हुआ रहता है। उधर जो अभी दिखाएं हम लेफ्ट साइड था, और ये जो देख रहे हैं आप लोग ये राइट पोल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये जो है पुराना ही पोल में फिर से पेंट करके नया डेट वगैरह डाला गया है, नंबर वगैरह डाला गया है 750 इसमें लिखा हुआ है, और राइट पोल और ऊपर में पहले लिखा हुआ था NH रोड, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट राइट है, और उधर जो अभी दिखाए हैं वहाँ पर लेफ्ट सा। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप लोग, सारा पेड़ जो है रोड में चला जाएगा, और इसी के सीधे जो है आगे जो है हम लोग का ज़मीन है, जहाँ पर 1.5 से 2 एकड़ हम लोग का ज़मीन जा रहा है, उसमें जो है हिस्सेदारी 4-5 लोग हैं, हम लोग का दादाजी का नाम पर था, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों को कुछ अपडेट आता है तो आप लोगों को हम तुरंत ही बताएंगे।
अभी फिलहाल यही था, आप लोग का कमेंट था, इसी चलते हम ये वीडियो बनाए। तो हमको भी अब वीडियो बनाने का अभी नहीं था, आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था कि अपडेट बताइए कुछ अपडेट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, जय झारखंड।